हेलो एवरीवन, आइए आज हम लोग एक नया प्रमेय प्रमेय नंबर 5 देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रमेय है। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक हैं, दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ की भुजाएं ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर बी सी बटे ई एफ हैं तो वे त्रिभुज समान कोणिक होते हैं। अभी तक हम लोग समरूप सिद्ध कर रहे थे, अब क्या सिद्ध करना है कि ये समान कोणिक है, यानी कि दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया है कि ज्ञात है में दो त्रिभुज ले लिया है, एबीसी और डीएफ में क्या दिया हुआ है, ये अनुपात बराबर है। अभी जो हम लोग कहे इसके साथ इसका अनुपात, इसके साथ इसका अनुपात और इसके साथ इसका अनुपात बराबर दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समान कोणिक है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ समान कोणिक है। इसमें हमने एक रचना किया, ईएफ के साथ एक त्रिभुज बनाया, ईएफ के साथ दो कोण बनाया, कोण वन कोण बी के बराबर है और कोण टू कोण सी के बराबर है। इसको जब आगे बढ़ाया तो ये के पर मिले, तो इस तरह से एक त्रिभुज बन गया ई एफ के, ठीक। और हमको दिखाना है उपपत्ति, ये दिखाना है हमको, ये दिखाना है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समान कोणिक हैं। अब इस त्रिभुज को भूल जाइए, त्रिभुज ए बी सी को अगर भूल जाए तो हम लोग इसमें देखें, अगर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हम किसी तरह से सर्वांगसम दिखा दें कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, है ना, ये त्रिभुज अगर सर्वांगसम है और ये समान कोणिक है, ये देखिए ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, तो ये कोण एक और कोण ए और कोण के बराबर होगा, क्योंकि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, सॉरी किसी त्रिभुज दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर निश्चित होगा, ठीक है। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज तो समान कोणिक हैं, और अगर हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं तो हम ये सिद्ध कर देंगे कि ये और ये भी समान कोणिक होंगे। तो आइए इसमें देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ई एफ के समान कोणिक हैं, अतः ए बी बटा ई के बराबर इसका इसके साथ अनुपात और इसका इसके साथ अनुपात बराबर हो जाएगा, समान कोणिक है। तो बी सी बटा ई एफ, है ना, ए बी के साथ ए बी और इसका अनुपात बराबर हो जाएगा बी सी और ई एफ का अनुपात, क्योंकि ये और ये त्रिभुज समान कोणिक है तो संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाएगा। ये तो हमारा हो गया रचना से, रचना किए थे उससे बराबर हो गया, और इसको अगर समीकरण नंबर 1 कर दें, और दूसरा हम इस यहां से ले लें ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे ई एफ तथा ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ,
अब बीसी बटा ई एफ और बीसी बटा ई एफ ये दोनों बराबर हैं, सर इसको समीकरण नंबर अगर दो कर दें, ये और ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब कि ये और ये भी बराबर होगा। तो समीकरण एक और दो से क्या हो जाएगा, ए बी बटा ई के बराबर ए बी बटा डी ई, सॉरी ए बी हो गया, ए बी बटा डी ई है ना। अब ए बी बराबर है, ये बराबर है, दोनों हट जाएगा, क्या हो जाएगा, डी ई को इधर लाते ई के को इधर ले जाए, इसका मतलब डी ई बराबर ई के हो जाएगा। दिस इंप्लाइज डी ई बराबर ई के, ठीक है। ये कहने का मतलब ये हुआ कि भुजा डी ई और भुजा ई के बराबर हो गया, इन दोनों त्रिभुजों में यह भुजा इस भुजा के बराबर हो गया। इसी प्रकार हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि डी एफ बराबर एफ के, इसी प्रकार जैसे ये किया है ना, जैसे हम लोग इसके इसके साथ लिए है ना, तो हम इसके और इसके साथ भी लेकर के सिद्ध कर सकते थे। तो इसी प्रकार हम लिख दे रहे हैं, इसी प्रकार डी एफ, ये डी एफ बराबर एफ के तथा ई एफ ओहनिष्ठ है, ई एफ बराबर ई एफ, यहां पर लिखेंगे उभय निष्ठ भुजा, अब ये देखिए ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, दोनों त्रिभुजों के तीनों भुजाएं पास में बराबर हैं, तो इसका मतलब कि यह त्रिभुज और यह त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, यह त्रिभुज, दिस इंप्लाइज त्रिभुज डी ई एफ सर्वांगसम त्रिभुज ई एफ के, डी ई एफ ना तो के ई एफ हो जाएगा, के ई एफ करें, कैसे हुआ है भाई, एस 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 भुजा 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 के आधार पर सर्वांगसम हो गए। अच्छा ये दोनों तो सर्वांगसम हो गए, अब यह त्रिभुज और यह त्रिभुज समकोण, ये दोनों दो कोण बराबर के आधार पर यह और यह त्रिभुज समरूप हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ई के ई एफ, के ई एफ, ठीक है। तो जब डी ई एफ यह त्रिभुज इसके सर्वांगसम है और यह त्रिभुज इसके समरूप है, तो इसका मतलब यह हो गया कि यह त्रिभुज और यह त्रिभुज समरूप होगा। दिस इंप्लाइज त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। बस सही।